गुड इवनिंग एवरीवन. आज करते हैं डिजीज़ वैक्टर्स ऑफ ऑर्डर साइफनक्यूलेटा. साइफनक्यूलेटा को एनोप्लूरा भी बोलते हैं, इसीलिए कन्फ्यूज मत होना, बोथ आर सेम. इसमें जो कॉमनली कॉमन इंसेक्ट आता है वो है लाइस, और लाइस जो है ये एक्टोपैरासाइट है, ऑब्लिगेटरी एक्टोपैरासाइट. ऑब्लिगेटरी का मतलब ये कि ये एज एक्टोपैरासाइट ही सर्वाइव कर सकती है, अदरवाइज लाइस कैन नॉट सर्वाइव. सो इट इज़ ऑब्लिगेटरी एक्टोपैरासाइट ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक मैमल्स और बर्ड्स. ठीक है, एंड दिस लाइस इज वैक्टर ऑफ सो मैनी डिजीज, जैसे कि टाइफस फीवर है, वेगा बॉन्ड डिजीज है, वो जो मैं बाद में आपको आगे कराऊंगी, वेगा बॉन्ड डिजीज, राइट. सो दिस वे नाउ विल बिफोर वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगी, ये देखो ये जो पिक्चर है ना, ये है हेड लाउस की. इसका स्ट्रक्चर तुम देख लो, राइट. नाउ यू सी, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो जो है लेग्स आप देखो इसके काफ़ी शॉर्ट है, ठीक है ना. बॉडी जो है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, दिखाई दे रहा है. और अभी देखो क्लॉज कितने वेल डेवलप्ड हैं, एंटीना आप देखो कितने छोटे हैं, आईज आप देखो कंपाउंड आईज हैं, पर कितनी, मतलब इफ़ यू सी दे आर वेरी स्मॉल, राइट. सेम इसी तरह एक और लाइस का की पिक्चर है, दिस इज प्यूबिक लाइस, प्यूबिक लाउस, प्यूबिक एरिया में जो लाउस पाया जाता है वी कॉल इट एज प्यूबिक लाउस. इसमें भी आप देखो कि किस तरह से जो लेग्स हैं वो कितने स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग हैं, राइट. और इनके ऊपर इन पर देर आर क्लॉज ऑल्सो, और ये भी बॉडी इसकी जो है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, एकदम चिपकी हुई बॉडी है, राइट. और आप ये देखो आईज भी आप देखो इतनी वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है. तो ये आपने दोनों में देख लिया. अब विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक, तो मैंने मेजर कैरेक्टर्स दिखा दिए. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज वैक्टर्स आर दे आर स्मॉल साइज्ड, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. मैंने अभी आपको बताया है किस तरह वो डॉर्सल वेंट्रली दिखते हैं, ठीक है. एंड दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑफ बर्ड्स और मैमल्स, राइट. नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी, आई जस्ट आई शोड यू आइज, तो कंपाउंड आइज जो हैं, सिंपल आइज जो है ऑसिलाई तो एबसेंट ही है. देखो मैं दिखाती हूँ, कोई देर आर नो ऑसिलाई, ओनली कंपाउंड आइज. ये देखो मैंने वो जो है एक बार फिर से दिखाती हूँ, ये देखो, राइट. ये केवल जो है कंपाउंड आइज है. हेयर ऑल्सो इफ यू सी, ये देखो केवल जो है सिंपल आइज आर देर, कंपाउंड आइज आर देयर, दैट टू स्मॉल साइज. कंपाउंड आइज यूजुअली बड़ी होती है, जो है कंपाउंड आइज प्रेजेंट है वो भी स्मॉल साइज्ड, ठीक है. और ऑसिलाई जो है, और यानी कि सिंपल आइज जो है वो एब्सेंट, ठीक है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी एंटीना, एंटीना इज वेरी शॉर्ट, हालांकि मैं दिखा चुकी पर फिर भी दिखाती हूँ. देखो ये एंटीना है, शॉर्ट है, यहाँ पर भी आप देखो एंटीना जो है ऐसा लग रहा है जैसे टूट गए, ऊपर दे आर शॉर्ट, ठीक है. और शॉर्ट इन द सेंस मैक्सिमम जो है इसमें 5 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है. लेग जो है अगर आप देखो, लेग्स जो है शॉर्ट हैं बट रोबस्ट, यानी कि रोबस्ट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रांग है. ये देखो आप, कैन यू सी, शॉर्ट तो है बट लेंथ तो इनकी शॉर्ट है, बट दिखने में ही लग रहा है दे आर वेरी स्ट्रांग, स्टर्डी है. और एंड में देखो क्लॉज भी है, ये देखो यहाँ पे भी देखो क्लॉज भी है, ठीक है. और ये क्लॉज से क्या होता है, दे कैन इनको ना दे कैन ग्रास्प द हेयर,
हेयर को होल्ड करने में या ग्रास्प करने में हेल्प करते हैं क्लॉज, ठीक है ना। और या फिर जैसे जो बर्ड लाउज है वहाँ पर क्या है, फेदर्स है, तो फेदर्स में वो इजीली रह पाते हैं, ठीक है। अनदर थिंग, अब जब ये एक्टो पैरासाइट है तो इनके माउथ पार्ट्स कैसे होंगे, इफ़ यू सी देयर माउथ पार्ट्स विल बी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तो जो मैमल के जो लाउज हैं वो उसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है, और जो बर्ड्स बर्ड लाउज है उनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो बाइटिंग टाइप है, ठीक है। क्यों बाइटिंग टाइप, इसीलिए क्योंकि दे फीड अपॉन द फेदर्स, और पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप इसीलिए है ह्यूमन लाउज में बिकॉज दे फीड ऑन ब्लड, ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है गट में, देर आर यू नो स्पेशलाइज सेल्स नोन एज मायोसिटोसाइट्स, ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर जो है फंगस या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, इट रिलीज सर्टेन एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स जो हैं वो दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग द केराटिन ऑफ फेदर्स, फेदर्स के अंदर केराटिन होता ना, ठीक है, या फिर दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन्स। सो दे हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मायोसाइट्स विच आर प्रेजेंट इन गट और एलिमेंट्री कैनाल। अब लाइफ साइकिल आप देखो, ये एंडोप्टेरिगोटा है, तो इफ़ यू सी लाइफ साइकिल हैज गॉट थ्री स्टेजेस, दैट मीन्स इट इज हैमी मेटाबोलस, यानी कि पार्शल यू नो मेटामॉर्फोसिस होता है। इट इन्वॉल्व ओनली थ्री स्टेजेस, एग, निम्फ एंड अडल्ट, ठीक है। इसको हैमी मेटाबोलस को ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस भी बोल देते हैं, और इसका एक और नाम है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस का, दैट इज पोरो मेटाबोली, यानी पोरो मेटाबोली, राइट। नाउ इफ वी सी द डिजीज वेक्टर एंड देयर डिजीज, जो ह्यूमन लाउज है, हेड लाउज है, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेडिकुलस ह्यूमैनस, पेडिकुलस ह्यूमैनस कैपिटस, ठीक है। इससे क्या डिजीज होती है, दिस कॉजेज सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शंस एंड एक्सेसिव इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ठीक है। दूसरा जो है, ह्यूमन में ही एक और लाउज होता है जिसको, जो बॉडी पर पाया जाता है, इसको कहते हैं बॉडी लाउज, LOUSE, ठीक है। इसका भी नाम है पेडिक्यूलस ह्यूमैनस, ये था ना, तो कैपिटाइटिस की जगह इसको बोलते हैं कॉर्पोरिस, क्योंकि बॉडी पर पाया जाता है ना कॉर्पोरिस। इससे जो डिजीज होती है वो होती है वेगाबॉन्ड्स डिजीज एंड टाइफस फीवर, ये दो डिजीज होती हैं। देन देयर इज थर्ड टाइप ऑफ लाउज, दैट इज यू नो प्यूबिक लाउज, इसका साइंटिफिक नेम है थीरियासिस, PH जो है वो साइलेंट है, थीरियस प्यूबिस, देखो जो साइंटिफिक नेम है उसे अंडरलाइन करते हैं, और इससे जो डिजीज होती है वो होती है थीरियासिस, राइट। सो ये जो डिजीज हैं, दीज आर ट्रांसमिटेड बाई वेक्टर्स ऑफ ऑर्डर साइफेनक्यूलेटा और एनोप्लूरा, राइट। दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।